आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं।